बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम मैथ 3 क्लास का मैथ कर रहे हैं। पेज नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, कल हमने ये पेज किया था, पेज नंबर 2 किया था, आज हम पेज नंबर 3 कर रहे हैं। ये चूँकि वही क्वेश्चन है जो पहले पिछली क्लासेज में आप कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। ये साइन हमेशा उस साइड पर आता है, दो साइड जो हमेशा बड़ी रकम होती है, ठीक है, जो बड़ी रकम होती है उस साइड पे हमेशा ये वाला साइन आता है। 768, 779, इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी उस साइड पे ये साइन आएगा, दो दो मुंह वाले साइड इस साइड पे आएगा। मतलब 79 इज़ द बिगर नंबर, 68 इज़ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट होगा 843 एंड 849। 849 इज़ द बिगर अमाउंट, इसलिए इसकी तरफ भी ये वाला साइन आएगा। 209, 216, इसमें 216 इज़ द बिगर अमाउंट। ठीक है, 990 एंड 909, 990 इज़ द बिगर अमाउंट। ठीक है, इस तरह ये चारों क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये पिछली जमात में आप कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। राइट द नंबर्स दैट आर, अब ये साइन का मतलब है जिस साइड पे एक मुंह होता है वो मतलब छोटी रकम होगी, जिस साइड पे दो मुंह होंगे उस साइड पे बड़ी रकम लिखेंगी। मतलब कि 624 से जो बड़ी रकमें होंगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 624 से बड़ी रकम कौन सी आ जाएगी? 625 आ जाएगी, 626 आ जाएगी। लेकिन चूँकि 632 बड़ी है और इससे पीछे जो हमने करनी है वो इसे छोटी रकम लगानी है, मतलब 632 से पीछे पीछे जो आएगा वहाँ तक लिखना है, और 624 से बड़ी बड़ी जो होगी वो हमने लिखनी है। इसमें आ जाएगा 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, मतलब 632 से छोटी जो रकमें हैं। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 982, इसकी तरफ दो मुँह है, मतलब 982 इज़ द बिगर अमाउंट और इसे छोटी हमने रकम लिखनी है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, 979 इज़ द स्मॉलर अमाउंट और इससे बड़ी रकम हमने लिखनी है। ठीक है, इस साइड का मतलब है दो मुंह वाली साइड का मतलब है वहाँ पे हमने बड़ी रकम लिखनी है, और इसका मतलब है कि इससे हमने छोटी रकमें लिखनी है। 982 से छोटी रकम हो जाएगी 981, 980, 979। ठीक है, 979 ताकि उन्होंने बोला इसलिए ये रकम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगी इन 103, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बड़ी है और इसे छोटी हमने लिखनी है, और 95 से बड़ी होगी। ठीक है, 103 से छोटी आ जाएगी 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, मतलब 95 से बड़ी जो होंगी वो आपने लिखनी है, और 103 से जो छोटी होंगी वो हमने लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, ये जैसे कि बहुत इजी हैं, 8 एंड 9 ये आपने होमवर्क करना है। ठीक है, ये 8 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क होगा। आज के लिए इतना ही है, अगर अगला भी हो सके 10 एंड 11 तो ये भी आप कर लें, वरना ये फिर मैं आपको कल दोबारा करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।